अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए इडली और कोकोनट की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट इडली और टेस्टी यम्मी डिलीशियस कोकोनट की चटनी की रेसिपी मैं आपके को शेयर करना चाहती हूँ, जो आप आपके ब्रेकफास्ट में बनाकर उसका लुत्फ ले सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स, 3 कप चावल, 1/4 कप सफ़ेद उड़द की दाल, नमक, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, और साथ में कोकोनट की चटनी के लिए 2 स्लाइस, 2 जो टुकड़े कोकोनट के होते हैं वो, या 25 से 30 स्लाइस कोकोनट के, 1/4 कप दालिया, 2 हरी मिर्च, नमक टेस्ट के हिसाब से, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 लाल मिर्ची और 5 से 10 कड़ी पत्ता। आप देख सकते हैं मैंने जो चावल है और दाल है दोनों को अलग अलग सोक करके रख लिया है, ओवर नाइट मैंने इसको सोक कर लिया है। अब मैं सबसे पहले मिक्सर की जार में भीगी उड़द की दाल को का पेस्ट बना लूँगी। पहले आप उसे हल्का सा, मतलब बिना पानी के ही पेस्ट बनाएं, फिर उसके बाद में थोड़ा पानी डालें, क्योंकि पानी डालने से वो पेस्ट ठीक नहीं रहता और हमें फ़िलहाल ठीक पेस्ट चाहिए। अब एक देचके में या बर्तन में, जिसमें भी आपको उसे फॉर्मेट करने रखना है तो उसमें रख दीजिए आप। इसका प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग होता है, लेकिन इडली बहुत ही अच्छी बनती है। अब मैं एक देचके में उड़द की दाल का जो पेस्ट है वो निकाल लिया है मैंने। अब मैं साथ में ही राइस जो मैंने भिगा के रखा था उसका पेस्ट बनाऊंगी। पेस्ट एकदम फाइन आपको बनाना है, और फिर उसमें हम टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डाल देंगे, क्योंकि अब हमें इसे रखना है फॉर्मेट होने के लिए। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं ये कितना थिक है, इसी हिसाब से आपको इडली के लिए बैटर तैयार करना है। और जो बर्तन है हमें थोड़ा बड़ा ही लेना है हमारे बैटर के हिसाब से, क्योंकि फॉर्मेट होने पर बैटर थोड़ा फूल जाता है, तो इसके लिए हमें बड़ी पतीली की ज़रूरत होगी। अब इसे ढककर हम फॉर्मेट होने के लिए रख देते हैं। अगर हमने सुबह इसे पिसा है तो रात के वक्त हम इडली तैयार कर सकते हैं जैसे, और अगर रात के वक्त पिसा है तो सुबह हम नाश्ते में इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया है, जिससे हमारी इडली एकदम सॉफ्ट बनेगी। और जैसे ही आप सोडा डालें उसे फटाक से मिक्स कीजिए, और वैसे ही आपको स्टीम देने रखना है। इडली के बैटर में आप इडली का पॉट जो आपका नीचे से काला ना हो, तो उसके लिए आप इमली डाल सकते हैं या नींबू डाल सकते हैं, ये एक टिप है आपके लिए। और ताकि पानी जब जोश होता है तो पानी से आपका जो पॉट है वो काला नहीं पड़ेगा। और दूसरी ये ट्रिक है कि इडली के सांचे के साइज़ का आप कपड़ा कट कर लीजिए, जिससे आपकी इडली बहुत अच्छी बनेगी और हर बार आपको इडली के सांचे पे ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। और बहुत ही अच्छी और इजीली आपकी इडली निकल जाएगी। मैं आपको इसका ट्रिक बताती हूँ आगे। आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से कपड़े के ऊपर इडली का बैटर डाल दिया है और हमारी इडली बनाने रख दी है। अब 10 मिनट के बाद में, जब इस एक ट्रिक ऐसी है कि जब लीड हम बंद करते हैं तो जब लीड के पास से जब पानी टपकने लगे तो आप समझ जाइए कि आपकी इडली बनके तैयार है। और लास्ट में जब आप निकालने लगे तो ऊपर से आपने देखा है मैंने पानी किस तरीके से छिड़का है इडली के ऊपर, तो आप उसी तरीके से पानी छिड़कें और इडली को की जो प्लेट है वो निकाल लें। अब बस झटकने से ही देखिए आपकी इडली निकल गई। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है मेरी इडली। अब हम चटनी तैयार कर लेते हैं। इसमें हमने गीला नारियल ले लिया है, हरी मिर्ची आप टेस्ट के हिसाब से लीजिए जितना आप टेस्ट खा सकते हैं, और साथ में ही मैंने इसमें दालिया ली है। ये भुनी हुई चने की दाल होती है, ये हर स्टोर में अवेलेबल होती है, तो आप उसे ले लीजिए। बिल्कुल सेम जैसा इडली वाले जो बेचते हैं घर घर जाकर,
और जो स्ट्रीट स्टाइल की जो इडली मिलती है बिल्कुल सेम वही स्टाइल की मैं आपको इडली की चटनी बता रही हूँ। बस आप इसे पीस लीजिए और इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी डालकर आप पीस लीजिए जितना आपको चाहिए। तेल मैंने गरम कर लिया है, इसमें मैंने राई, कड़ी पत्ता, सूखी हुई लाल मिर्च और ज़ीरा ये डालकर मैंने इसको तड़का कर दिया है और बस अब ये चटनी के ऊपर मैं डाल दूँगी। चटनी को हमें पकाना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ हमने ऊपर से तड़का डालना है, यही मेन उसका टेस्ट बढ़ा देती है। आप देख सकते हैं मेरी चटनी बहुत अच्छी तरीके से बनके तैयार हो गई है और इसे अब मैं अपने इडली के साथ में सर्व करूँगी। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को देखिए और ज़रूर से ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।